But somewhere there's a light inside of us It's just a way Not looking for no, no, no Heaven or gold Cause I got you I got you Don't wanna show, oh, oh. show us off, but you're my own All that I need, Trying to of sugar cold But I'm flying so high I don't even know if I'm coming down हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टीम कार्ड लाइट तो ये है न्यू क्रेटा 2020 एंड गाइस हम बहुत ही ज्यादा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इसमें हर एक फीचर को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन्फॉर्टेनमेंट सिस्टम में साउंड चेक भी करने वाले हैं एंड इसी के साथ काफी सारे रेस्पेक्ट यहाँ पे कवर होंगे जैसे कि ऑन रोड प्राइस कम्पेरिजन एंड इसी के साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कम्पेरिजन तो बने रही इस वीडियो के साथ टीम कार्डलाइट को सब्सक्राइब भी करें को भी जरूर प्रेस कर ले सो so, ये है क्रेटा का ई एक्स मॉडल जो कि पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही अवेलेबल है और यहाँ पे आपको वंडर वारंटी मिलती है यानी कि वारंटी के पैकेजेस दिए गए हैं थ्री वारंटी की आपको चार्जेस मिलेगी अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं सो यहाँ पे अवेलेबल है थ्री ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स फोर ईयर सिक्सटी थाउजेंड किलोमीटर या फिर फाइव ईयर फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर एंड यहाँ पे आपको थ्री ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है और ये SUV बिल्ट अप है मॉनिक्यू बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर विद सेवेंटी एडवांस्ड हाई स्टेन स्टील And जो बॉडी स्ट्रक्चर है, की हो रही है, के चेनी में. है और यह है और स्ट्रेटअप यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प विध हेलोजन बल्ब और यहाँ पे एल ईडी डी आर एल अवेलेबल है साथ में आपको फॉलोमी होम लैम्प फंक्शन भी मिल जाता है और यहाँ पे फ्रंट वील विद सिल्वर फिनिश फ्रंट में डुअलटोन बंपर अवेलेबल है विद स्कीट प्लेट यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे फॉग्लम नहीं मिलते आप में सकते हैं और यहाँ पे ई में अवेलेबल है टू एयर बैग एबीएस विद एबीडी रियर पार्किंग सेंसर फ्रंट फ्रंट सीट सीट बेल्ट बेल्ट विद प्रीटेंशनर रिमाइंडर इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक इसी के साथ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक इंजन इमोबिलाइजर डुअल हॉर्न फॉलो मी होम हेडलैम्प और यहाँ पे लो लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है यानी कि आपको नॉर्मल डी वार्निंग मिलती है अगर किसी भी टायर में टायर प्रेशर लो है तो वहाँ पे आपको जस्ट वार्निंग मिलेगी किस एग्जैक्ट टायर में प्रेशर लो है उसकी वार्निंग आपको नहीं मिलती साथ में यहाँ पे सेंट्री लॉकिंग भी ऑफर करी जा रही है सो so, क्रेटा की जो साइड प्रोफाइल है दैट ऑफर्स वेरी टॉल एंड बोल्ड स्टांस और यहाँ पे आपको व्हील आर्चे स्कैडिंग मिलेगी साइड बॉडी क्लाइडिंग दी गई है अंडर बॉडी साइड स्कर्टिंग भी अवेलेबल है बी पिलर ब्लैक आउट मिलता है और ये है विंग पिलर मिलेगा ब्लैक डाउट और यह है सिक्सटीन इंचज के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स और यहां पे टू जीरो फाइव बाई सोफाइल टायर्स ऑफर किए गए हैं और यहां पे रूफ रील्स अवेलेबल नहीं है साथ में आपको मिलता है शार्क शार्फविन एंटेना और रियर पॉइलर में यहाँ पे प्यारो ब्लैक फिनिश दी गई है एंड रूफ पे दोस्तों बेसिकली आपको सिल्वर एसेंस भी मिलते हैं विच आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव सो so, ये है कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन सो यहाँ पे एक रेटा का डायमेंशन कंपैरिजन आप देख सकते हैं साथ में बूट स्पेस है 433 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर ग्राउंड क्लियरेंस 190 90 mm, एंड टर्निंग रेडियस ऑफर करा गया है 5.3 मीटर्स का आल्सो ई एक्स ट्रिम में यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है और सस्पेंशन काफी वेल well ट्यून्ड है स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे आपको मिलता है बट ये बहुत ही प्लांटेड एंड कंपोज राइड क्वालिटी ऑफर करेगा अनिवन सेक्शन पे भी एंड हाईवेज पे हाई स्पीड्स पर भी सो so, ये एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको फुल एलईडी टेल एल नहीं मिलेंगे बट यहाँ पे टेल लैम्प में एलईडी लाइन गाइड अवेलेबल है विच इज लुकिंग सुपर अट्रैक्टिव एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही फैबुलस ये लुक ऑफर कर रही है और यहाँ पे डोल टोन बंपर मिलेगा विद फोर सेंसर्स रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्सिंग लाइट एंड क्रेटा की बैजिंग रियर में वाइपर एंड डिफॉगर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रंक ओपनिंग अवेलेबल है साथ में आपको हेलोज़न लाइट्स मिलती है इन लाइसेंस प्लेट और यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है साथ में एमरजेंसी एग्जिट और ये है टोटल बूट स्पेस ऑफ फोर थर्टी थ्री लीटर्स एंड यहाँ पर लगेज लैंप अवेलेबल है साथ में रेयर पास आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं और इसको पुल कर दिए तो यहाँ पे टूल किट एंड स्पेयर टायर जो कि आपको मिलेगा 16 इंचेस का 205 जीरो फाइव बाई स टायर एंड नॉर्मल स्टील व्हील दिया गया है और ये है पी डी आई चेकलिस्ट यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चेक लिस्ट और यह है लगेज हुक साथ में यहाँ पे कुछ स्टोरेज पॉकेट दी गई है दोनों ही साइड आपको मिल जाती है एंड अभी यहाँ पे सीट्स को डाउन कर लेते हैं तो बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल है इस वेरियंट में और ये है टोटल बूट स्पेस इन हुंडी क्रेटा एंड अब इसको भी क्लोज कर देते हैं आल्सो ये एसयूवी ऑफर करती है सेवन कलर ऑप्शन जो है टाइफून सिल्वर पोलर व्हाइट रेड मलबरी गैलेक्सी ब्लू लावा ऑरेंज फैंटम ब्लैक एंड टाइटन ग्रे कलर एंड क्रेटा की एवरेज मंथली सेल है एट थाउजेंड यूनिट्स एंड ड्राइवल व्हीकल्स की भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑलसो इस वहीकल में ऑफर जा रहे हैं थ्री इंजन ऑप्शन जो है पेट्रोल सिक्स फीड मानवल एंड सिक्स स्पीड सीबी टी वन पॉइंट फाइव लीटर डीजल विद सिक्स पीड मैनुअल एंड सिक्स ऑटोमेटिक एंड वन पॉइंट फोर लीटर टर्बो पेट्रोल विद ओनली सेवन स्पीड डी सी टी गये बॉक्स बट एक्स मॉडल में अवेलेबल है सिर्फ वन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल मानुअल एंड वन पॉइंट फाइव लीटर डीजल मानवल और यहाँ से बोनेट को ओपन कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पर और पे आपको हाई कैब इन इंसोलेशन मिलती है लो एनवीएच लेवल दिए गए राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी अवेलेबल है साउंड रेडिंग मेटीरियल का भी यहाँ पे काफी बढ़िया यूज करा गया है एंड फर्दर मेमोरी यहाँ पे आपको मिलता है अंडरबॉडी इंजन गाड़ी की कम्प्लीट अंडरबॉडी प्रोटेक्शन किट अवेलेबल है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इंजन ऑप्शन कंपैरिजन विद किया सो फर्स्ट है पेट्रोल मोटर जो है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर बी एस सिक्स कम्प्लैन पेट्रोल इंजन एनी जनरेट करते हैं हंड्रेड एंड फोटीन बी एच पी ऑफ पावर एंड वन फोर्टी फोर एन एम ऑफ टॉर्क यहाँ पे आपको सिक्स स्पीड मैनुअल एंड सिक्स फीड सीवी टी गेयर बॉक्स मिलेगा मैनुअल की माइलेज है सिक्सटी पॉइंट एट के एम पी एल एंड सीवी टी की मिलेगी सेवनटीन पॉइंट वन के एम पी एल बट ये एक्स में सिर्फ पेट्रोल मैनुअल अवेलेबल है और सेकेंड है वन पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर बी एस सिक्स कंप्लान डीजल इंजन प्रोड्यूस करते हैं हंड्रेड एंड फोर्टीन बी एच पी ऑफ पावर एंड टू फिफ्टी एन एम ऑफ टॉर्म आपको बॉक्स मिलेगा मैनुअल की माइलेज फोर के एम पी एल एंड ऑटोमैटिकॉइंट थ्री 18.3 एम पी एल बट यहाँ पे सिर्फ डीजल मैनुअल अवेलेबल है ऑल्सो क्रेडा में टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है बट वो इस वेरियंट में ऑफोर नहीं करा गया और यहाँ पे आप लॉक करते हैं तो सिंगल हॉर्न करते हैं तो डुअल हॉर्न यूज होता है और यहाँ पे टू फोल्ड कीज अवेलेबल है विद थ्री स्विचेस लॉक एंड लॉक एंड एंड टेल गेट गाड़ी को टर्न ऑन कर लेते हैं सो ये है डैशबोर्ड की लुक आपको पे डुअल टोन ब्लैक एंड बीच इंटीरियर्स मिलते हैं विच आर एक्सट्रीमली प्रीमियम सो ब्लैक कलर की कारपेटिंग अवेलेबल है और बीच कलर में आपको रूफ मिलेगी फिट एंड फिनिश क्वालिटी स्प्लेंडेड दी गई है ये है हैडलैंप लेवलर साथ में क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है और यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं इसी के साथ डोर्स स्कफ लिट ऑफर करी गई है और यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्ट्री ऑफर करी गई है इन डुअल टोन थीम एंड फ्रंट सीट्स की है सेल्टो तो से ज़्यादा आपको कंफर्टेबल मिलती है हाइट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है फॉर ड्राइवर साइड सीट और यह है डुअल टोन फ्रंट डोर की लुक सो यहाँ पे डोर पॉकेट एंड बॉटल होल्डर साथ में स्पीकर साइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का मिलेगा ऑल फोर पावर विंडोज दी गई है बट ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन या ऑटो अप नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वे मिलते हैं फोल्डेबल नहीं दिए गए और यह है पावर डोर लॉक स्विच साथ में ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच ही आपको सिर्फ एल्यूमिनेटेड मिलता है फ्रंट में ट्रेडर्स भी अवेलेबल है और अब इसको भी क्लोज कर देते हैं सो फ्रंट में कुछ आपको ऐसी आमरेस्ट मिलेगी विच इज फिक्स्ड आमरेस्ट विथ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल है ये है प्यनो ब्लैक फिनिश गियर नॉब आप स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर तो इसे हमें ऐसे पुल करना पड़ेगा देन रिवर्स गेयर स्लॉट होगी एम में आपको प्रॉपर सेंसर्स का डिस्प्ले मिलेगा कैमरा बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसका डिस्प्ले इंफोर्टेनमेंट सिस्टम पर आप ले सकते हैं और यहाँ पे आपको गुड स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोस्तों और ये ट्वेल्व वोल्ट का पावर सॉकेट साथ में यूएस पोर्ट एंड वन यूएस चार्जर एंड गाइस क्रेडा का जो ए सी है दैट इज सुपर एफिशिएंट यहाँ पे कैबिन विद इन सेकंड कूल हो जाता है इको कोडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लोएस्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा 17 हाईएस्ट दिया गया 27 सेवन और ये एट इंचज़ का टच एंडफरटेनमेंट सिस्टम विच इज़ क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आपको आई डिस्प्ले मिलेगा ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वॉइस रिकोगनाइजेशन यहाँ पे फोर स्पीकर एंड टू तो फ्रंट फ्रेंट इज अवेलेबल है विद आर कमिंग साउंड यू एस बी ब्लूटूथ एंड रेडियो को भी सपोर्ट करेगा साथ में यू एस बी के थ्रू हम वीडियो प्ले कर सकते हैं इमेज़स को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे स्पीड डिपेंड इन वॉल्यूम कंट्रोल्स अवेलेबल हैं एंड जहाँ पे आपको एग्जैक्ट साउंड चाहिए वहाँ पे आप पोजिशन कर सकते हैं कुछ ऐसे। साथ में यहां से आप बेस को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसको भी आप फुल रख सकते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट अभी हम करने वाले हैं साउंड चेक सो सबसे पहले अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर लेते हैं सो हम से स्मार्टफोन कनेक्ट कर लेंगे एंड आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो इन्फरटेनमेंट सिस्टम के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं एंड सिंगल टाइम यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे स्मार्टफोन को तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेप इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्टफोन कनेक्टेड ही रहेगा और यहाँ पे आप दो स्मार्टफोन साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं जो कि क्रेटा एंड वर्ना में पॉसिबल रहता है बट आप वेन्यू में नहीं कर सकते सो so यहाँ पे क्रेटा में काफ़ी सारे आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं अब यहाँ पे सॉन्ग फ्लिक कर लेते हैं तो और ये है आर कमी साउंड मोड विच वर्क रियली वेरी वेल यहाँ पे आप दो स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं सो so, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी मिलती है दैट इज वेरी गुड और यहां पे बहुत ही हाई एंड क्वालिटी मटेरियल यूज करा गया है सो एवरीथिंग फील्स वेरी अप मार्केट टू यूज एंड कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा बोनेट का फुल बोनेट विजिबल रहता है वेल्थ ड्राइविंग द कार काफी कमांडिंग व्यू आपको मिलेगा ओवरऑल और यहाँ पे फॉक्स लेदर टचेस दिए गए हैं और यह ग्लब बॉक्स तो यहाँ पे आपको कू ग्लब मिलेगा एंड को ड्राइवर सन वाइजर और यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है सेंटर में आपको टू कैबिल ना मिलते हैं विच आर इन हेलोजन विदर डेमिंग फंक्शन और साथ में यहाँ पे सन ग्लास होल्डर अवेलेबल है और यहाँ पे आपको डी एन आई डायर भी मिलेगा और इधर टॉल होल्डर दिया गया है एंड दोस्तों यह है डी कट स्टीरिंग व्हील विच लुक्स वेरी हैंडसम एंड वेरी यूनिक सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं एंड एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है सो so, यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफर करी गई है दोस्तों सो दीज आर वॉइस कमांड ब्लूटूथ एंड ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पे अवेलेबल है एम स्क्रीन कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल एंड यहाँ पे दिए गए हैं वाइपर कंट्रोल्स सो ये इंस्ट्रूमेंट ह्लस्ट्रो सेंटर में एम डिस्प्ले करती है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस टू एम आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले इंजन रनिंग टाइम डोअल ट्रिप मीटर टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन गियर शिफ्ट इंडिकेटर डिजिटल लाइफ स्पीड एंड यहाँ पे व्हीकल सेटिंग दी गई है तो लाइट्स की आपको सेटिंग मिल जाती है तो ओवरऑल जो कैबिन की एलुमिनेशन है वो आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं तो फिजिकल स्विच जो था वो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और यहाँ पे डोर्स की सेटिंग ऑटो डोर लॉक को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं साथ में साउंड सेटिंग तो वेलकम साउंड को भी आप डिसेबल कर सकते हैं सो so यहाँ पे आप आईसी रोड वार्निंग को डिसेबल कर सकते हैं ऑल्सो यहाँ पे जब आप हेडलैम्प एंड वाइपर यूज़ करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले आपको एम में मिलता है उसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्विस इंटरवल सेट कर सकते हैं आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है और यहाँ पे अदर फीचर्स तो यहाँ पे आप टेम्परेचर के यूनिट चेंज कर सकते हैं जैसे सेल्सियस से ए एंड लो टायर प्रेशर में आपको सिंपली कुछ ऐसी वार्निंग मिल जाएगी ऑल्सो अगर हम यहाँ पे वाइपर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली शो करेगा कौन सा मोड सिलेक्टेड है सेम गोज विद हेडलैम्प पार्किंग लाइट या फिर मेन आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पे, भी beam, nice. यहाँ पे बीम भी अवेलेबल है और अगर हम यहाँ पे कीज को रिमूव कर देते हैं व्हीकल को ऑफ कर देते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी एम आई डी में देन यहाँ पे टाइम लैग अवेलेबल है तो आप पावर विंडो सारी ऑपरेट कर सकते हैं फॉर टाइम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पावर विंडोज आप ऑपरेट कर सकते हैं डिस्पाइट बिंग हमने कार को टर्न ऑफ कर दिया है जैसे आप कोई भी डोर ओपन करेंगे तो ये फंक्शन डिसेबल हो जाता है तो अब आप, आप देख सकते हैं हम पावर विंडो ऑपरेट यहाँ पे हम नहीं कर सकते एंड अब कार को टर्न ऑन कर लेते हैं हेडलैम्प लेवलर आपको मिलेगा एल्यूमिनेटेड और यहाँ पे वेलकम फंक्शन अवेलेबल है लो फ्यूल रिमाइंडर भी आपको मिलता है एंड कोई भी अगर पर्टिकुलर डोर ओपन है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड अगर हम बोनेट को ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा बट अगर हम यहाँ से टेल गेट ओपन करते हैं तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टेल गेट का आपको रिमाइंडर मिल जाता है और ये है रियर डोर की लुक चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स अवेलेबल है ऑल्सो नॉन एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल स्पीकर स्मॉल साइज पॉकेट एंड बॉटल होल्डर एंड प्लेट अवेलेबल है एंड ये है रियर सीट्स की लुक सो यहाँ पे आपको टू फिक्सड हेड मिलेगी और यहाँ पे सेंटर में आमलिस्ट ऑफर नहीं करेगी या बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं और ड्राइवर सीट के बैक पे पॉकेट नहीं मिलती को ड्राइवर सीट के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है एंड गैज ये है रियर रिसीवेंट्स रियलमी ट्वेल्व वोल्ड पावर सॉकेट आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं अवेलेबल नहीं है एंड काफ़ी वाइड ओपनिंग दी गई है कैबिन में इन एंड आउट इज सुपर ईजी यहाँ पे ग्रैप हैंडल अवेलेबल है सेंटर में आपको कैबिन नाम मिलेगा और यहाँ पे ग्रैप हैंडल के साथ आपको कोट हैंगर मिलता है एंड क्रिएटर के अदर विंस का ऐसे ही डिटेल वॉक्राउंड रिव्यू चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है तो आप वो चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब के साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें